इस दीपावली अपने घर पर जरूर बनाइए चने की दाल से ये बिस्किट, जिसे आप महीनों तक स्टोर करके रख लेना, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसे आपको कैसे बनाना है वीडियो में बने रहिए देखने के लिए। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक खाली बर्तन ले लिया है इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक खाली बर्तन हम ले लेंगे और उसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे चने की दाल। तो देखिए चने की दाल को आपको धुलना नहीं है, जैसा बाजार से आता है वैसे ही दाल आपको यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब दाल को ले लिया है, 2 कप हमने यहाँ पर 250-250 ग्राम के इसके अंदर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर ये हो चुकी है 500 ग्राम। तो हमें यहाँ पर 500 ग्राम चने की दाल चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। और इस तरीके से आपको चेक कर लेना है दाल आपकी गंदी तो नहीं है यहाँ से। और एक ले लेंगे पैन, यहाँ से पैन को रख दिया इंडेक्स पर। इसे यहाँ से क्या करेंगे, दाल को हल्का गर्म करेंगे। तो हमें दाल को हल्का सा गर्म करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से दाल को चलाएंगे। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ से पहले आपको दाल को अच्छे से यहाँ से देखिए इस तरीके से रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ से दाल रोस्ट हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमने 1 मिनट तक दाल को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और देखिए यहाँ पर ठंडा होने के बाद अब आपको क्या करना है, एक मिक्सी का जार ले लेना है। मैं यहाँ से मिक्सी का जार ले रही हूँ और मिक्सी के जार में आपको दाल को यहाँ से इसमें डाल देना है। तो सभी दाल को आपको इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ से आप चाहे तो इसे 2 बार में भी यहाँ से पीस सकते हैं, मैं यहाँ से एक ही बार में इसे यहाँ से पीस लूंगी। तो हमें सभी दाल को इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है जार के। तो यहाँ पर मैंने एक ही बार में इसे डाल लिया है। और यहाँ पर देखिए देख लेना है आपको ज़्यादा गर्म नहीं है दाल यहाँ से, तो आपको ढक्कन लगाकर इसे पीस लाना है। तो यहाँ पर मैं इसे पीस लाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा समय नहीं लगा इसे पीसने में, बहुत ही झटपट से ये पीस जाती है। अगर आप इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी से पीस जाती है। और यहाँ पर बिल्कुल बारीक यहाँ से हमारी जो दाल है वो हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने दाल का पाउडर बना लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पाउडर है उसे आपको देखिए मैं एक बार फिर दिखा रही हूँ चेक करके। अब हम यहाँ पर एक खाली बर्तन ले लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से खाली कोई भी आपको बर्तन ले लेना है। अगर आपके पास कांच का है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कांच का नहीं है और आप यहाँ पर स्टील का बर्तन लेना चाहते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से सभी पाउडर को इसके अंदर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि आप इसे बेसन से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हाँ जी बेसन से भी बना सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना अच्छा चने की दाल के साथ आता है। तो देखिए अगर चने की दाल से ही आप इसे बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है इस साइड में। और यहाँ पर हमने इंडेक्स पर रख दिया है पैन को। तो हमने पैन में 250 ग्राम दूध को ऐड कर दिया है और 250 ग्राम ही हम यहाँ पर चीनी ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो चीनी को यहाँ पर पीस कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी आपको क्या करना है। चीनी को दूध के अंदर इस तरीके से घोल देना है। तो जब चीनी यहाँ से बिल्कुल देखिए इस तरीके से दूध के अंदर अच्छे से ऐड हो जाएगी, जब आपको इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। और जैसे ही ठंडा होगा उसके बाद में आपको इसे इस्तेमाल करना है। तो इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो अभी हम इसे देखिए यहाँ से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमने ले लेने हैं मूंगफली के दाने। तो यहाँ से हमने मूंगफली के दाने ले लिए हैं। ये यहाँ पर कच्ची मूंगफली है, अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली के दाने हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कच्चे मूंगफली के दाने थे तो मैंने इसे यहाँ से सेक लिया है। 1 मिनट तक इन्हें अच्छे से यहाँ से सेकना है क्योंकि हमें इसका छिलका निकालना है। अब इसे एक इस तरीके की बाउल में आपको निकाल लेना है। तो मैंने देखिए छोटी कटोरी ली है, उसके अंदर इसे यहाँ से निकाल लिया है। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे और यहाँ पर ठंडा होने के बाद क्या करेंगे, मूंगफली को आपको इस तरीके से दबाते हुए यहाँ से देखिए इसके छिलके को निकाल लेना है। तो यहाँ पर इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। छिलका हमने यहाँ से निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पीसना है, हम इसे हाथ से इस तरीके से तोड़ लेंगे। हमें इसे ऐसे इस्तेमाल करना है, साबुत बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसी तरीके से तोड़कर मैं इसे यहाँ से इस्तेमाल करूंगी। तो फ्रेंड देखिए अब ये तैयार है हमारे यहाँ से मूंगफली के दाने। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ से एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है जो यहाँ पर स्टील का है। उसमें क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने चने का आटा बनाया था तो उस आटे को हम यहाँ पर इस बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर गर्म हो रहा था ये, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चिपक गया है बर्तन के अंदर। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे इसे भी। अगर आप नहीं निकालना चाहते, बाद में निकालना चाहते तो आप उसे साइड में रख दीजिए। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एक बार इसे इस तरीके से चेक कर लेना है। फ्रेंड देखिए ये बिल्कुल बारीक है। अगर आपको यहाँ पर डाउट है
के बारीक नहीं पिसा है तो आपको क्या करना है, इसे छान लेना है। और ये यहाँ पर मैं एक कप यहाँ पर ऐड करूंगी सूजी। सूजी इसमें जरूर से ऐड करना है आपको, सूजी से क्या होगा बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होंगे। और ये हमने यहाँ पर मूंगफली के दाने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और ये यहाँ से हमने ले लिया है 150 ग्राम देसी घी, जिसे गर्म कर लिया था। अब सब चीजों को इस तरीके से मिक्स कर देना है इसके अंदर हमें। तो यहाँ से सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। अभी इसके अंदर हमें दूध या चीनी को ऐड नहीं करना है। अभी हम इस तरीके से इसके अंदर देखिए, इसे ऐड करने के बाद में तो दूध और हमने चीनी का घोल बनाया था उसे इसके अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ से इसका हमें बिल्कुल आटे के जैसे डो लगाकर तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा करके आपको यहाँ पर दूध को ऐड करना है। और देखिए यहाँ से ये जो डो है लगकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स बहुत ही झटपट से आप इसे लगाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसके अंदर ड्राई फ्रूट और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैं यहाँ पर इसे मूंगफली के साथ आपको बनाकर दिखा रही हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ से हमारा डो लगकर तैयार हो चुका है। अब हमने हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लिया है और यहाँ से क्या करेंगे, इसे इस तरीके से सेट करेंगे। और छोटी छोटी सी हमें यहाँ से देखिए इस तरीके से लोइयाँ तोड़ देनी है। तो यहाँ से हम इसे दो भागों में देखिए इस तरीके से ले लेंगे। और यहाँ पर खाली प्लेट ले ली है। अब क्या करेंगे, छोटे छोटे हमें यहाँ से जैसा पेड़े बनाते हैं उस तरीके से यहाँ पर बिस्किटों को बनाना है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से बिस्किटों को बना लूंगी। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप ज़्यादा टाइट यहाँ पर इस आटे को रखेंगे तो ये क्या होगा, ये अच्छे नहीं बन पाएंगे। अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इन्हें बना पाएंगे। आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ सभी को बनाकर। तो यहाँ से मैंने सभी को बना लिया है। बाकी जो हमारा आटा बचा हुआ उसे बाद में हम यहाँ पर बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से देखिए सभी को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ। तो इंडक्स पर हमने ऑयल को रख दिया था पहले ही, हल्का गर्म हो चुका है ऑयल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारे बिस्किट हैं इन्हें इसके अंदर डाल देंगे ऑयल के। तो ये अच्छे से यहाँ से फ्राई हो जाएंगे। उसके लिए हमें सभी यहाँ पर बिस्किटों को ऑयल के अंदर डाल देना है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ऑयल आपका ज़्यादा गर्म यहाँ से नहीं होना चाहिए। और आपको यहाँ पर इसमें ज़्यादा बिस्किट भी एकदम से नहीं डालने हैं, इससे क्या होगा बिस्किट फूलेंगे तो आपके जो बिस्किट हैं वो यहाँ से अच्छे नहीं बन पाएंगे। अगर आप इसे ज़्यादा भर देते हैं यहाँ से, ज़्यादा यहाँ पर बिस्किटों को इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने ज़्यादा यहाँ से नहीं डाला है, बिल्कुल मीडियम डाला है। और देखिए सभी को डालने के बाद में 2 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, हमने यहाँ पर हल्के ऑयल गर्म में इसे डाला था। और देखिए बिल्कुल हमने यहाँ पर इंडेक्स को लो रखा है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना है। वरना अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो हमारे बिस्किट हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने एक तरफ से इसे पलट दिया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स कितना समय लगा, सिर्फ 3 मिनट लगे हमें इसे बनाने में। तो देखिए 3 मिनट में हमारा जो बिस्किट है वो फ्राई हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी बन चुके हैं, मैं सभी को यहाँ से निकाल लूँगी। लेकिन उससे पहले देखिए आपको कैसे निकालना है, जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है उसे आपको इस तरीके से निकाल देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए इसके ऑयल को निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो ऑयल है वो ज़्यादा नहीं लगेगा और ये बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को निकाल लिया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाकी के बचे हैं उन्हें भी निकाल लेंगे। यहाँ पर बिस्किटों को निकालना है, बिल्कुल ऑयल फ्री आपको इन्हें बनाना है। तो आपको इसके लिए इनका जो ऑयल है उसे निकाल देना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो हमारे बिस्किट हैं वो किस तरीके से बनकर तैयार होंगे। जो बाकी का ऑयल बचा है उसमें हम बाकी के जो हमारे बिस्किट बचे हैं उन्हें भी यहाँ से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल धीमी धीमी आपको गैस पर या इंडेक्स पर जिस पर भी आप बनाना चाहते हैं उस पर आपको बिल्कुल मीडियम रखना है। तो यहाँ से देखिए इन्हें हम पलट लेंगे, दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं, इसलिए आपको इन्हें भी पलट देना है। और इस तरीके से आपको देखिए सभी को बनाकर तैयार कर लेना है। मैंने सभी को बनाकर आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। तो मेरा सभी बिस्किट बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बाजार से लाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप एक बार बनाइए और महीनों तक आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ फ्रेंड, देखिए बिल्कुल ऑयल फ्री यहाँ पर हमारे जो बिस्किट हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल फ्री बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेस्टी अपने घर पर आप बिस्कुट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना अपने फैमिली फ्रेंड्सों में, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।